हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को बहुत जल्दी कैसे चार्ज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ़ोन की चार्जिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। हाँ गाइस, ये वाली ट्रिक अगर आप अपना लोगे, ये वाली जो मैं टिप्स दूंगा और ट्रिक्स दूंगा, ये अगर आप अपना लोगे ना, तो भाई आपका फ़ोन सही में बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये वाली टिप्स देने वाला हूँ। सो गाइस, बहुत यूज़फुल होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो हे गाइज, अभी मैं आ गया हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे एंड अब आपको दिखाता हूँ कि अब आपको यानी कुछ टिप्स दूंगा। पहले 5 टिप दूंगा, फिर उसके बाद जो मेन रीज़न बताऊंगा आपका फ़ोन क्यों इतने धीरे चार्ज होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, जो हमारी पहली 5 टिप के बारे में बता देता हूँ। जो पहली टिप है, अगर आप इसको फॉलो करोगे इन 5 ट्रिप को टिप्स को, तो यार सच में यार आपके फ़ोन में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी चार्जिंग समय। तो यार जो पहली टिप है वो ये है कि गाइज, अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है ना, वो भाई बिल्कुल कम करके चार्ज करा करो। ये नहीं है कि भाई पूरी बढ़ाई दी और बढ़ा के यानी चार्ज करो, बिल्कुल कम करके चार्ज करा करो। मैं आपको प्रेफर करूंगा और आपके आईज पे भी दर्द नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल कम करके चार्ज करा करो। अब जो हमारी सेकंड टिप है वो ये है कि हमारे अपने फोन को नेट ऑफ करके चार्ज करा करो, या फिर आप एयरप्लेन मोड पे डाल के चार्ज करा करो। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आपसे नेट ऑफ नहीं करा जाता, एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला जाता कि कॉल्स आती है, तो आप नेट ऑफ करके चार्ज कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर जो हम अपने तीसरी ट्रिप के तरफ बढ़ते हैं, तो ये है अपनी बैकग्राउंड एप्लीकेशन। जो भी आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन होती है उन सबको हटा दिया करो भाई, रनिंग ऐप्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया करो, वो बैकग्राउंड में नहीं चलनी चाहिए। और मैं आपको फिर अपनी चौथी ट्रिप की तरफ लेके चलता हूँ, वो ये है कि गाइस, जो भी आप अपने बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगाते हो यार, उसको थोड़ा सा डार्क वॉलपेपर लगाने की कोशिश करो। ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर का, वो लगाने की कोशिश करो। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी वॉलपेपर्स हैं वो सारे ब्लैक में, देखा होगा अपनी वीडियोज़ में, मैं सिर्फ ब्लैक ही वॉलपेपर लगाता हूँ। एक तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मिनिमलिस्टिक लगते हैं और काफ़ी अच्छा लुक आता है, और बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। यहीं अगर इसकी जगह मैं वाइट लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज भी नहीं होगा। तो ये भी एक है। और जो हमारी लास्ट टिप है और जो फाइनल टिप है, अगर इसको फॉलो करोगे तो गाइस सच में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। अपने फ़ोन को यानी लॉक स्क्रीन, यानी जो आपकी जो स्क्रीन होती है फ़ोन की, उसको बंद करके चार्ज करा करो। हाँ भाई, अपने फ़ोन की स्क्रीन को हमेशा बंद करके चार्ज करा करो। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, मैं तो जब अपने फ़ोन को बंद कर देता हूँ तभी भी नहीं चार्ज होता। तो अब मैं आपको जो मेन रीज़न बताता हूँ वो धीरे चार्ज क्यों होता है। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करोगे तो वो तो एकदम जल्दी चार्ज होगा ही। लेकिन आप बोलते हो कि भाई, जैसे मेरा नया फ़ोन आया था अभी भी यार बिल्कुल वैसी चार्ज नहीं होता जैसे नया फ़ोन आया था, दबी भी वैसी चार्ज नहीं होता जैसे नया आया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या रीज़न है। उसका जो रीज़न है वो है आपकी डेटा केबल। भाई डेटा केबल जो है आपकी चार्जर में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक अडेप्टर होता है जो, यार एक होती है डेटा केबल। तो गाइस कभी भी है ना, अपने जो फ़ोन के साथ चार्जर आता है, उस अडेप्टर आता है, उससे कम एम्पियर का डेटा अडेप्टर यूज़ कभी मत करा करो, कभी भी मत करा करो। चाहे ज़्यादा का यूज़ कर लो, चाहे बराबर का यूज़ कर लो, लेकिन कम का कभी यूज़ मत करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है और या आप कंपनी सेंटर में जाके बोलते हो, तो यार वो बोलेंगे डायरेक्ट फ़ोन का ये जैक चेंज करवा दो, बैटरी ख़राब होगी ये सब। लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ यार, अपने चार्जर की डेटा केबल को कर लो चेंज। वो एक सबसे बढ़िया आइडिया रहेगा, सबसे चीप भी रहेगा और सबसे जल्दी चार्ज होगा। और ये वाली टिप्स फॉलो कर लोगे ना, तो भाई बिल्कुल एकदम मज़ा ही आ जाएगा। यार मैं भी सच में अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉल्स वॉल्स का इतनी कोई वो नहीं है। और अगर हाँ, ज़्यादा बहुत जल्दी चार्ज करना है ना, तो भाई आप स्विच ऑफ करके चार्ज कर लो। और अगली जो वीडियो आएगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत यार आज मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और जल्दी से बता दो यार, और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। एंड हाँ यार, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी तो यार सच में यार नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये कैसी लगी। और भाई आज बिल्कुल मन नहीं यार वीडियो बनाने का, पता नहीं यार कैसी बनी होगी वीडियो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वीडियो बनाते हुए। लेकिन कल भाई मैं फुल जान से बनाऊंगा। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियोस अब थोड़ी सी डिले होने लग जाएगी 13 दिसंबर के बाद, क्योंकि यार उसमें से मैं वीडियोस यानी डिले करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरे बोर्ड प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो थोड़ा उसके लिए चला लेना, ठीक है। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। आपका क्या है, आपको तो एक ही क्लिक यार, लेकिन मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।